नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं आपके इस प्लेलिस्ट में जहां पर हम HCF और LCM पे डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। और अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स देखी LCM निकालने की भी और HCF निकालने की भी। दोस्तों हमने डिवीजन मेथड देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा, हमने शॉर्ट ट्रिक भी देखी जहाँ पर हम रेफरेंस नंबर एक चूज करते हैं। दोस्तों अलग अलग वेराइटी के मेथड्स हम देखते आए हैं, बाय पार्ट्स मेथड भी देखा। आज की वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट मेथड कवर करने वाले दोस्तों, ये सबसे कारगर मेथड साबित हुआ था LCM निकालने में भी दोस्तों, ये भी हमने देखा था। और HCF निकालने में भी सबसे कारगर मेथड जो साबित होता है वो को प्राइम नंबर्स वाला मेथड ही साबित होता है दोस्तों। तो एक तो हम को प्राइम मेथड देखने वाले, और उसके अलावा दोस्तों बहुत वार्म अप हो गया, हमने तमाम तरीके देख लिए, हमने तमाम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली जिससे HCF और LCM निकालना सीख जाए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर एक नजर डालने वाले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं HCF और LCM पर, और एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर को प्राइम मेथड से देखते हैं, 12 और 18 का आपको HCF निकालना है दोस्तों। तो मैं बोलता हूँ आप 12 और 18 को एक ऐसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए कि जो रिजल्टेंट नंबर आए वो को प्राइम आए। तो मैं बोल रहा हूँ 12 और 18 दोनों को मैं 6 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, है ना। सच दैट जो रिजल्टेंट नंबर आए वो को प्राइम है। 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर आप ले ले तो को प्राइम आता है, यानी 2 और 3 का रिजल्ट जो है वो 2 और 3 जो रिजल्ट आया वो को प्राइम आ रहा है। तो अब HCF क्या होगा दोस्तों, LCM की कैटेगरी में हम क्या करते थे, 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 18 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आएगा वो LCM आता था। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जिस फैक्टर से आपने डिवाइड किया है इनको सच दैट रिजल्टेंट नंबर जो है वो को प्राइम आया है, वही फैक्टर हमारा HCF निकल करके आ जाएगा। और सिंपल टेक्निक हो गई यहाँ दोस्तों, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, डिविजन फैक्टर ही जो है वो आपका HCF निकल करके आने वाला। देखिए कितनी सिंपल टेक्निक है, कितनी जल्दी हमने HCF निकाल दिया दोस्तों। अब एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम वही हम करते हैं, 48 और 72 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अब 48 और 72 को मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, अगर मैं 24 से दोनों का डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर बच जाएगा 3। जरूरी नहीं है कि 2 और 3 लाना, हम कोई भी को प्राइम पेयर ला सकते हैं, ठीक है। तो जो 24 आ रहा है वो हमारा HCF निकल करके आ जाएगा, आप इस बात को समझ रहे हैं ना। तो जो को प्राइम फैक्टर आपको लेकर के आना है, मेक श्योर वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो, यानी आपको बिगेस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड करना है सच दैट जो रिजल्टेंट नंबर आए वो को प्राइम आए। तो जो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वही HCF हो जाने वाला है। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, बहुत मेहनत लगी आपके लिए ट्रिक लाने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करके एक बार अपना फीडबैक दे दे कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसी लग रही है। चलिए एक और प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, 24, 40 और 42 की बात कर लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कॉमन फैक्टर मेरे को, लेकिन दिख रहा है 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से बच गया 12, यहाँ से बच गया 20 और यहाँ से बच गया 21। अब मेरे को चेक करना है ये तीनों पेयर जो है वो को प्राइम है कि नहीं है। तो आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, 12 का जो फैक्टर है वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स बन सकते हैं। 20 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 20 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है 20 का, 4 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है, उसके अलावा 10 एक फैक्टर है और 20 एक फैक्टर है। इसी तरीके से मैं 21 की बात करूं तो 1 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है और 7 एक फैक्टर है। तो आप देखिएगा कहीं से भी कहीं तक आप देख लीजिएगा केवल जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। तो जब कॉमन फैक्टर 1 होता है तो पेयर को को प्राइम बोल देते हैं, क्योंकि ये तीनों को प्राइम पेयर है, यानी 24, 40 और 42 का जो HCF है वो क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि ये जो नंबर्स हमने ऑब्टेन किए को प्राइम पेयर्स वो 2 से डिवाइड करने के बाद ऑब्टेन किए, तो HCF जो निकल करके आया वो हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी ट्रिक समझ आ रही होगी। अब एक नजर हम डालते हैं भाई HCF और LCM की जो ट्रिक्स हम अप्लाई करने वाले हैं, क्वेश्चन हम अप्लाई करने वाले हैं, क्या रियल टाइम एप्लीकेशन है HCF और LCM के। दोस्तों LCM का कॉन्सेप्ट जो है वो रेसेस और ट्रैफिक सिग्नल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। रेसेस आपने एक पर्टिकुलर बहुत ही स्पेशल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखी होगी कि ए बी सी तीनों यहाँ पे रेस लगाना शुरू की, ए की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, सी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तीनों चक्कर काट रहे हैं, बताओ कितने रोटेशन के बाद वो लोग वापस मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम LCM कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल, दोस्तों 3 ट्रैफिक सिग्नल दिए हैं, 1, 2 और 3,
ठीक है, ये हर 2 सेकंड में रंग बदल रहा है, रेड से येल्लो और येल्लो से ग्रीन हो रहा है, ये हर 3 सेकंड में रंग बदल रहा है, ये हर 5 सेकंड में रंग बदल रहा है, तो बताइए तीनों एक साथ ग्रीन जो है वो कब होंगी। तो वहां भी हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग द लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल टू फिट इन अ रूम। तो एक रूम है भाई 15x40 का आपको रूम दिया है, आपको टाइल्स का लार्जेस्ट साइज बताना है जो इस रूम में फिट हो जाए पूरा। तो आप 15 और 40 का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, सॉरी, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो 5x5 के आपको टाइल्स बनाने पड़ेंगे, लार्जेस्ट साइज टाइल जो कि पूरे रूम में फिट हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए आप एचसीएफ का यूज करने वाले हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन क्लियर है दोस्तों, बहुत वार्म अप हुआ। अब सीधे मैं आईटी कंपनीज और अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनको एक एक करके सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 32, 36 एंड 40, माय फ्रेंड्स। तो भैया 32, 36 और 40 का लीस्ट पॉसिबल नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ, आपको ये फाइंड आउट करना है कि एलसीएम लगेगा या एचसीएफ लगेगा, ठीक है। तो एक तो तरीका हो सकता है, देखिए फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर जबकि मल्टीपल इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय द नंबर। तो जो मल्टीपल होता है वो नंबर से डिवाइड होता है और फैक्टर जो होते हैं वो नंबर को डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि डिवाइडेड बाय टर्म का यूज हुआ है तो डिवाइडेड बाय कहाँ पर यूज होता है, मल्टीपल में होता है। तो यानी मल्टीपल की बात करें, यानी ये एलसीएम की बात करें, लीस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो एलसीएम हो जाएगा किसका, 32, 36 और 40। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं पर्सनली भूल जाता हूँ कि भाई फैक्टर डिवाइड करता है मल्टीपल डिवाइडेड बाय, आपको ऐसे सोचना ही नहीं। देखिए क्या बोला है, आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करना है विच कैन बी डिवाइडेड बाय 32, 36 और 40। अब मैं बोल रहा हूँ 6 जो है, एक 6 लेट से नंबर है, 6 इज डिवाइडेड बाय 2, 6 जो है 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 इज डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल सही बात है, 3 आंसर आ जाएगा। बट 2 इज नॉट डिवाइडेड बाय 6, है ना, 2 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्योंकि डिवाइडेड बाय कोई नंबर 32, 36 और 40 से डिवाइडेड बाय हो रहा है, जैसे 6 8 इज डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो जो भी नंबर आएगा वो इन तीनों से बड़ा होगा, है ना, तभी तो वो 32, 36 और 40 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि नंबर इन तीनों से बड़ा है तो हमने ये चीज देख रखी है कि एलसीएम जो होता है वो तीनों नंबर से बड़ा होता है, यानी इसका जो भी एलसीएम आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और एचसीएफ जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा होता है, यानी एचसीएफ जो है वो लेस देन इक्वल टू 32 आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लियर कट बात है, क्योंकि आपको नंबर ऐसा चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी इन तीनों से बड़ा नंबर चाहिए, यानी एलसीएम ही बड़ा नंबर दे पाएगा। तो आप बेसिकली कुछ नहीं कीजिए, आप एलसीएम कैलकुलेट कर दीजिए मुझे 32, 36 और 40। दोस्तों बहुत बच्चों ने बोला था कि उनको कोप्राइम मेथड में डिफिकल्टी आ रही है, तो इसलिए मैं कोप्राइम मेथड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे लिए फेवरेट मेथड वही है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए कोप्राइम में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियर कट दिख रहा है 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये 8 टाइम चला जाएगा, ये 9 टाइम चला जाएगा, ये 10 टाइम चला जाएगा। अब मैंने क्या किया, 8 और 10 क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं, इसलिए इनको एक साइड लिख दिया, 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकते इसलिए इसको अलग लिख दिया, तो 4 ले लिया, अब ये 2 कॉमन ले लिया 8 और 10 में से, तो यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 5 और ये 9 है हमारा, ठीक है। अब 4 और 5 जो है वो कोप्राइम पेयर है, क्योंकि हमको पता है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा कोप्राइम होते हैं और कोप्राइम नंबर्स का जो एलसीएम आता है वो उनका प्रोडक्ट ही आ जाता है, ये बात भी हमको पता है। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। तो यहाँ 4 और 5 की जगह आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो और यहाँ पर 9 ले लीजिए। अब आपने क्योंकि एक बार एलसीएम निकाल लिया तो अब कुछ नहीं, अब प्रोडक्ट बच जाता है, तो 4 आ गया यहाँ पर, अब 20 और 2 का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, 40 बचेगा और 9 बचेगा, तो 4 × 40 और 9 कितना होता है, 360 होता है दोस्तों। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 4 × 360 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1440 दोस्तों, आंसर आपका निकल करके आने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, एक बार बस आपको रिड्यूस करना है, एक बार आपने एलसीएम कैलकुलेट कर लिया तो बाकी सिर्फ आपको केवल प्रोडक्ट निकालना रह जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो अपन और भी प्रैक्टिस करेंगे आगे कोप्राइम मेथड पे, क्योंकि दोस्तों ये बेस्ट है। देखिए सिंपल बता रहा हूँ, एरर के चांसेस बहुत कम है, टाइम भी बहुत कम लगता है, तो आप इस मेथड का, बाकी आप जिस मेथड में कंफर्टेबल है आप उसका यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। और प्रॉब्लम्स करने वाले दोस्तों आईटी कंपनीज में एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होने का भैया फैशन है, ज्यादा मेहनत नहीं करते कंपनी वाले, एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं आपको कराने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर कंपनी से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होने चाहिए। बस आपको क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियोस हमारी
देखते रहिए, क्विज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स और इस वीडियो का फीडबैक मेंशन कीजिए। शॉर्ट ट्रिक जो भी मैंने सिखाई है वो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पिछली क्विज के आंसर्स भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों, इनके स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विज 10 के आंसर्स का। और दोस्तों बस कमिटमेंट के साथ मेहनत करते रहिए, विक्ट्री आपकी होगी। लव यू ऑल, सी यू सून। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए।